अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है व्यूअर्स। और आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। और सबसे पहले हमने दूध डाला, बीच में हमने एक चम्मच चीनी डाली, दो चम्मच हमने पत्ती शामिल की है और ये अब हमारा बॉयल आ रहा है चाय को। और यहाँ पे हमने रखा हुआ तवा, इसके ऊपर हम ऑयल घी डालेंगे, फिर इसके अंदर हम ये जो अंडा फेंटा हुआ पड़ा हुआ है फिर हम इस अंडे को फ्राई करेंगे। जब हमारा अंडा फ्राई हो जाएगा फिर हम यहाँ पे हमारी 3 पीस ब्रेड पड़े हुए हैं, ये हम इस अंडे को हम ब्रेड के बीच में लगाएंगे। और यहाँ पे मैंने एक पेड़ा बनाया था, फिर उसके बाद मैंने इसको बेल लिया, इस रोटी को बेल लिया। अब हम इसके अंदर घी लगाएंगे, सारी साइडों पे फुल इसको गोल राउंड में घी लगा देंगे, फिर हम इस रोटी को हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमारी चाय देखिए बॉयल आ रहा है और हमारी चाय तैयार होने वाली है। यहाँ पे हमने घी गर्म करने के लिए रखा और यहाँ पे हमारी ब्रेड ब्राउन हो गई है। अब हम इसको उतार लेंगे और इसके अंदर हम लोग जो फ्राई किया हुआ अंडा है वो बीच में हम लोग शामिल कर देंगे। और यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसको मैं बारीक बारीक कटिंग कर दूँगी। और आज मैं बना रही हूँ टिंडे, यहाँ पे मैंने टिंडे छील के रखे हुए हैं उसको बारीक शेप में। और यहाँ पे देखिए मैंने इस जो रोटी मैंने बेली थी उसके अंदर मैंने ऑयल शामिल कर दिया। अब मैं इसको अच्छे तरीके से हाथों से फैला लूँगी रोटी के ऊपर, फिर इसको मैं फोल्ड करूँगी, फिर इसका एक पेड़ा बन जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसका पराठा तैयार करूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने तवा गरम करने के लिए रख दी है, अब ये अच्छे ये गरम हो जाएगा जब, फिर इसको यहाँ पे मैंने पेड़ा बनाया है इस तरह का, बीच में ऑयल डाला था, रोटी बेली है, फिर मैंने बीच में ऑयल लगाया है अच्छे तरीके, फिर इसको मैंने फोल्ड किया है, फिर ये देखें ये इस तरह का बन गया, देखिए इस तरह का। और इसको अब हम 5 मिनट के लिए रखेंगे, फिर 5 मिनट के बाद हम पराठा बनाएंगे। और मैं यहाँ पे आप पराठा बनाने लगी हूँ, ये जो पेड़ा मैंने बना के रखा हुआ था 5 मिनट पूरे हो गए हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से बेल के फिर हम इसको पराठा डालेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने इस पराठे को बेल के इसके ऊपर तवे के ऊपर मैंने डाल दिया था। अब ये एक साइड नीचे वाली पक जाए फिर हम दूसरी साइड पे करेंगे, दोनों साइडें जब हमारी पक जाएंगी थोड़ी थोड़ी फिर हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। और यहाँ पे हमारी दोनों साइडों पे ऐसे रोटी पक गई है। अब हम इसके ऊपर घी डालेंगे, फिर हम इसका पराठा तैयार करेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने पराठा एक साइड से रेड हो गया था, फिर मैंने इस साइड पे किया, अब दूसरी साइड से हो रहा है और ये अभी पक जाएगा। तो आज की हमारी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। ओके, अल्लाह हाफिज़।